जय माता दी। दोस्तों, रितु शुक्ला की रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूं तो आपने बहुत बार बचे हुए चावल की रेसिपी बनाई होगी, पर एक बार इस तरीके से आप फ्राइड राइस बनाकर देखिएगा, आपको खाने में बहुत ही मजा आएगा। देखिए, रात के बचे हुए चावल हैं, आज मैं इनका बहुत ही अच्छा फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ। आपको बिल्कुल दुकान वाली फ्राइड राइस का टेस्ट मिलेगा। ये मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। दोस्तों, इसमें मैंने किसी भी तरीके के सॉस का मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप बस घर में रखे सामानों से बनाइए और बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। देखिए, मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, अब हम इसे थोड़ा पकने देंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल में जो भी वीडियो मैं डालूं आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों, मैंने इसमें अदरक डाली है, ये मैं कुछ हरी मिर्च डालूंगी। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये मैंने शिमला मिर्च, बीटरूट, गाजर और अनियन काट के रखा है, जिसे मैं चावल में डालूंगी, इससे मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी। ये मैंने पहले प्याज डाली है इसमें। दोस्तों, हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपी हैं, आप एक बार जाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, फ्राइड राइस बहुत टेस्टी बनी थी, आप अपने घर में एक बार ट्राई कीजिएगा। कभी भी आपके घर में रात का बचा हुआ चावल बर्बाद नहीं होगा इस रेसिपी को देखने के बाद में, आप जरूर बनाकर खाना चाहेंगे। ये मैंने ग्रीन शिमला मिर्च डाली है। दोस्तों, सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, अब मैंने इसमें गाजर डाल दी। दोस्तों, फ्राइड राइस बनती है तो उसमें सब्जियां ज्यादा नहीं गलाई जाती हैं, वरना फिर उनका टेस्ट खराब हो जाता है। ये मैंने बीटरूट डाला, जरूर से डालिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा कलर आता है, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, और बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बच्चे ऐसे सब्जियां खाते नहीं हैं, तो उन्हें इस तरीके से अगर बना के दिया जाए तो वो जरूर खाएंगे। अब हम इसमें चावल डालेंगे। दोस्तों, चावल को थोड़ा तोड़ते हुए डालिएगा, क्योंकि रात के चावल हैं, एक दूसरे से चिपक गए हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे चलाया दिया है, थोड़ा सा मिला देते हैं इसे। दोस्तों, अगर आप और भी कोई सब्जी डालना चाहें तो अपनी मनपसंद सब्जी डाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसमें नमक डालेंगे। दोस्तों, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। अब इसमें मैंने थोड़ा गरम मसाला डाला है। दोस्तों, बस इसमें गरम मसाला और नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आएगी, और कुछ किसी भी मसाले का मैंने उपयोग नहीं किया है। ये नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और बाद में डाला है थोड़ा सा, ये थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च, बस इतने थोड़े से मसाले से दोस्तों ये बहुत ही अच्छी फ्राइड राइस बनकर तैयार हुई है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मैंने नींबू का रस डाला है। दोस्तों, आप इसे उतारने के पहले डालिएगा, जब आप गैस बंद कर देंगे इसे डालकर मिला दीजिएगा अच्छे से। इसे डालने के बाद चावल को ज्यादा देर नहीं पकाना है। ये देखिए कैसे खिले खिले चावल हो गए हैं। आइए, अब हम इसे निकालते हैं एक प्लेट में। दोस्तों, देखिए ये चावल कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बने थे। दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे और किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।